आज के वीडियो मैं पर्सनली यूट्यूबर्स के लिए बना रहा हूँ जो यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम से वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड करते हैं और जिनका चैनल मोनेटाइज है उनके लिए। खासकर ये केक वाली वीडियोस ही होती है ज़्यादातर इंस्टाग्राम से हम लोग यूज़ करते हैं। देखो क्या होता है, मैं एक चीज़ बता दूँ कि कुछ वीडियोज़ मैंने भी इंस्टाग्राम से अपलोड की थी अपने चैनल पर और उसको भी देख के कितने लोगों ने अपने चैनल पर ऐसा किया है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 3-4 वीडियो इंस्टाग्राम से निकाली, फिर मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी। अच्छा, वो मैंने अपलोड की थी, उसके बाद जब मेरा 3-4 वीडियो चलना शुरू हुआ तो मैंने अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना शुरू किया और उसके साथ साथ मैंने अपनी फेस वाली वीडियो भी बनाना शुरू की। उस टाइम आपने देखा होगा कि मेरी फेस वाली वीडियो बहुत आती थी तो मैंने फेस वाली वीडियो बनाना शुरू किया। यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब ये देखता है कि आपने अगर किसी अदर माने आपने इंस्टाग्राम से कोई वीडियो उठाई है और आपने उस पर अपना कुछ वैल्यू ऐड किया, वैल्यू मीन्स अपनी आवाज़ ऐड किया है या अपना अपना फेस लगाकर कुछ रिएक्शन दिया है, उसके बारे में कुछ बताया है, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता, मतलब रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है। रीयूज्ड कंटेंट का मतलब होता है कि आपने किसी और की वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाली है और आपने कुछ भी उसमें नहीं किया, ना आपने अपने उसमें वॉइस ओवर किया है, ना आपने कुछ उसका रिएक्शन दिया, कुछ भी नहीं किया है, आपने सिर्फ वीडियो उठा के अपने चैनल पर डाल दिया। ध्यान से सुनिए, सभी यूट्यूबर्स के लिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि 2 बार मेरा चैनल खुद रिजेक्ट हुआ है तो मैं समझ गया हूँ क्या है रूल पूरा। तो ऐसे क्या करना है आपको, आपको जब मैंने इंस्टाग्राम से जब वीडियो उठाई थी तो वो वीडियो इंस्टाग्राम पे जिन्होंने डाली थी उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और उन्होंने तुरंत जैसे ही पोस्ट की थी मैंने वैसे ही डाउनलोड किया और वैसे ही पोस्ट किया, तो जो यूट्यूब को क्या हुआ ना कि उस तरीके का वीडियो कोई और अदर मतलब अदर यूट्यूबर से नहीं मिला, इसलिए मेरा रीयूज्ड कॉन्टेंट नहीं आया। तो इसी तरीके से मैं अगर एक चीज़ बता दूं, जो लोग अपनी खुद की वॉइस लगा रहे हैं, जो लोग अपनी खुद की वॉइस लगा रहे हैं, अपना खुद का कंटेंट बना रहे हैं, उनको यूट्यूब कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। उनका समझ लीजिए कि एकदम प्लेन कोरा कागज़ है, उनका रिजेक्शन नहीं होगा, वो मोनेटाइज हो जाएगा, एकदम आराम से कमाएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम की वीडियो उठा उठा डाल रहे हैं ना, वो बिल्कुल गलत है, इसको आप लोग पहली बात बंद कर दीजिए। एक चीज़ और मैं समझा दूं कि लगता होगा आपको कि हाँ भैया कि वो वीडियो वायरल होती है, मेरी वीडियो वायरल नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, मैं समझता हूँ। क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन जो होता है वीडियो पे, वीडियो की ऑडियंस रिटेंशन जो होती है ना, वो कैसे होती, कैसे वर्क करती है, जो हम लोग इंस्टाग्राम से वीडियो उठाते हैं वो इतनी क्लियर और इतनी अच्छी होती है कि लोग उसको देखना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं सभी होम बेकर से करता हूं कि आप लोग वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा और अच्छा कीजिए ताकि लोग थोड़ा सा चैनल पे वेट करें, आपका देखें वीडियो, हाँ कुछ अच्छा बन रहा है, इसीलिए इंस्टाग्राम वाली वीडियो आगे चली जाती है, इसीलिए क्योंकि लोग उसको देखते हैं, टाइम देते हैं, थोड़ा टाइम देने से ही वीडियो वायरल होती है। अब जिनका चैनल मोनेटाइज है उनको लिए भी बता देते हैं। मैं देखा हूँ कि बहुत से सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूबर हैं जिनका चैनल मोनेटाइज है, वो भी इंस्टाग्राम से वीडियो डाल रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि मेरा चैनल तो मोनेटाइज है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, उनको भी दिक्कत है। जब आपका रीयूज्ड कॉन्टेंट लगेगा ना, जब कोई ऐसा वीडियो आपके पड़ेगी वीडियो पे तो रीयूज्ड लगेगा ना, तो आपका पहले बार मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा और रीयूज्ड कॉन्टेंट आप पे भी लग जाएगा। इसीलिए जिनका मोनेटाइज है, ध्यान से सुन लो, आप लोग अपनी ओरिजिनल वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग सौम्या दी की वॉइस को यूज कर रहे हैं या फिर किसी सॉन्ग को यूज कर रहे हैं तो एड साउंड जो होता है हमारे शॉर्ट्स में एड साउंड होता है, वहां से अगर आप ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्टेंट अपना है, आप सॉन्ग डाल सकते हैं, सौम्या दी की आवाज भी डाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो रीयूज्ड कंटेंट लग जाता है, जब रीयूज्ड कंटेंट आ गया आपके, अब क्या करना चाहिए, तो यूट्यूब 1 महीने का टाइम ले लेता है। अब देखो एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे कि 10 मिलियन शॉर्ट व्यू हमको चाहिए होता है और आपने किसी अदर की वीडियो उठा के 10 मिलियन शॉर्ट व्यू पा लिया। अब जब शॉर्ट व्यू पा लिया, जब रीयूज्ड कंटेंट लग जाएगा शॉर्ट वीडियो पे, आपके रीयूज्ड कंटेंट जब लग जाएगा तो आपका जो शॉर्ट वीडियो है उसको डिलीट करना पड़ेगा। जब आप डिलीट करेंगे तभी मोनेटाइज होगा, लेकिन उसको डिलीट कब करना है, देखो क्या करते हैं कि बहुत से यूट्यूबर्स बताते हैं डिलीट कर दो, अब उससे नहीं, हम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना। 1 महीने आपके पास टाइम है, आप उस वीडियो को चलने दीजिए, आपके सब्सक्राइबर बन रहे हैं उनको बनने दीजिए,
एक महीने बाद अगर आपकी कोई और वीडियो, आपकी वीडियो अगर वो मतलब ये पब्लिश हो जा रही है या वायरल हो जा रही है, तो उस वीडियो को डिलीट करके जितनी भी आपने इंस्टाग्राम वाली वीडियो उठाई है डिलीट कर दीजिए और अपनी खुद की वीडियो पे ही रहिए और उससे ही मोनेटाइजेशन ले लीजिए। कहने का मतलब ध्यान सुनिए, जो आप वीडियो वायरल हुई आपकी अगर आप उसको डिलीट कर देंगे तो आपके जो व्यू है 10 मिलियन जो आपका व्यू होता है वो कम हो जाएगा। जो वीडियो वायरल होती है अगर आप उसको डिलीट कर देंगे ना तो व्यू भी कम हो जाता है, या वॉच टाइम हो या व्यू हो दोनों कम हो जाता है, फिर वो मोनेटाइजेशन के लिए फिर आपको जुटाना पड़ेगा, तो आपके चैनल का रीच भी चला जाएगा। इसीलिए एक महीने का टाइम रहता है, आप उस वीडियो को चलने दीजिए ध्यान से और टाइम दे के उसको डिलीट कीजिएगा, नया वीडियो डालिएगा, लेकिन अभी नहीं, एक महीना मतलब 29 दिन या 28 डे उसको चलने दीजिए, जितने सब्सक्राइबर बन रहे बनने दीजिए, धीरे धीरे अपना कंटेंट लाते रहिए। देखिए मैंने भी अपना कंटेंट धीरे धीरे लाने की कोशिश की अपनी वाइज अपना, अब मेरा चैनल भी मोनेटाइज है इसीलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ किसी की भी वीडियो पे। अगर आपको किसी की वीडियो पे यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, आप अपना वॉइस जो है यूज कीजिए, या इस तरीके से जैसे मैंने भी दिखाया कि कॉर्नर में वीडियो चल रही है मेरा ये आ रहा है, तो इस तरीके से तो कॉर्नर में वीडियो चलनी चाहिए, या आपकी वीडियो भी कॉर्नर में चलेगी तो भी दिक्कत नहीं है। यूट्यूब को सिर्फ और सिर्फ आपका फेस चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एक सेकंड के लिए आप फेस लगा दिए, 2 सेकंड के लिए फेस लगा दिए, भैया मैंने 2 सेकंड के लिए फेस लगाया था, नहीं, आप अपने फेस के साथ जैसे मैं जानकारी दे रहा हूँ ऐसे कुछ नॉलेज दीजिए थोड़ा सा। देखिए बहुत से होम बेकर्स हैं जो कि केक बनाती हैं, सामने से बनाती हैं, बोलती हैं, पीछे से वॉइस ओवर भी करती हैं, तो उनका फेस जो है यूट्यूब डिटेक्ट करता है कि फेस इन्होंने दिखाया है, ये बंदा है, ये इनकी आवाज़ है। अगर आपने आवाज़ सौम्या दी की ले ली, म्यूजिक सौम्या दी की ले ली, या फिर गाना ही कोई यूज़ कर लिया, कॉन्टेंट भी दूसरे का ले लिया, तो फिर आपका ओरिजिनल कुछ नहीं रहेगा, फिर आपके एक ही वीडियो पर रीयूज कॉन्टेंट लग जाएगा, आपने 10 वीडियो डाली उसके मतलब नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट लगाइए। सौम्या दी की वॉइस वाली वीडियो वायरल होती है ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सी बेकरी वालों की भी देखी है, और ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम ही वाली वायरल होती है, नहीं, बेकरी वाले की भी वीडियो वायरल होती है। आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा अच्छा कीजिए, सौम्या दी की वॉइस लगाइए, सॉन्ग लगाइए, वीडियो वायरल कराइए और आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप अपना ओरिजिनल कंटेंट ही यूज कीजिए। बहुत सी होम बेकर से मैंने देखा उनकी वीडियो की क्वालिटी भी नहीं अच्छी है, फिर भी वो लोग अपनी ही वॉइस को यूज करके ही वीडियो बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप वीडियो बनाइए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो हमको बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई में ही बता दूंगा।